इस साल की एक सबसे अच्छी बात रही कि 2-3 बार मैंने पर्सनल बेस्ट किया है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि एक कंसिस्टेंट रहे तो एक कॉन्फिडेंस रहता ही, कभी भी हम अपना पर्सनल बेस्ट दे सकते हैं, जो इस बार हुआ, 2-3 बार मैंने अपना पर्सनल बेस्ट दिया। और बस प्लान तो जी कोच का ही होता है, और हम भी थोड़ा साथ में मिलकर थोड़ा एक टीम वर्क होता है और साथ में काम करते हैं, जिससे हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सकते जी। देखो जी, कोच ऐसा होना चाहिए जिसको हमारे बारे में, हमारी बॉडी के बारे में पता है, खुद एथलीट की कि ऐसे इसका काम करता है, ये टेक्निक इसके लिए अच्छी रहती है, तो उनको खुद पता होना चाहिए, चाहे वो इंडिया से हो चाहे फॉरेन से हो। पर अभी फॉरेन कोच हमारे साथ हैं, उनका काफ़ी हेल्प मिल रही है, और उनके साथ ऐसे ही काम करके कोशिश कर रहे हैं कि आगे के ये दो साल हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं, इनमें भी ऐसे परफॉर्मेंस दें जी। देखो, कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये लग रही है कि अभी उनके बीच में हर कॉम्पिटिशन में उनके बीच में खड़े होते हैं हम, और एक आधे कॉम्पिटिशन में शायद उनको बीट भी किया है, तो ऐसे ही आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, शायद ऐसा मौका भी आएगा कि गोल्ड भी आएगा उनके आगे। कॉमनवेल्थ का मेडल है, एशियन गेम्स का मेडल है, ओलंपिक्स का मेडल अभी दूर है, किस तरीके से? जी देखो, दूर है, लेकिन उसके लिए हम, इनका भी नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन ये भी गोल्ड आ चुके हैं अभी, है ना, तो अभी भी उनके लिए भी गोल्ड की सोच के हम मेहनत करेंगे, और बाकी देखते हैं, बाकी अपने टाइम पे छोड़ देते हैं आगे क्या होगा।